बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है इटालियन पास्ता व्हाइट सॉस के साथ। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। दो तरह की सॉसेस तैयार करनी है। एक हमें स्पाइसी सॉस तैयार करना है जो कि पास्ता का मसाला होगा, और एक हमें व्हाइट सॉस तैयार करनी है जो कि बहुत ही सिंपल से तैयार हो जाएगी। सॉसेस बनाने से पहले हम सबसे पहले पास्ता बॉईल करके रख लेते हैं। पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पर आ गया है। नमक ऐड करके मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। चार लहसुन के जवे चॉप्ड हुए हुए, एक दरमियानी प्याज चॉप्ड हुई हुई, एक टमाटर लिया है और एक कप मैंने चिकन का कीमा लिया है, चिकन मिन्स का चमचा, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और 1.5 खाने का चमचा पेपरिका। लो फ्लेम पे आपका पैन गरम हो जाए तो आप उसमें 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। कुकिंग ऑयल के बाद जो है मैं इसमें गार्लिक यानी कि लहसुन चॉप्ड हुआ ग्रेटेड गार्लिक वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल में। साथ ही इसके मैं प्याज ऐड कर दूंगी, दोनों चीज़ें साथ ऐड होंगी। प्याज जो हमने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगी। गार्लिक के बेशुमार फ़ायदे हैं सेहत के हिसाब से भी और खानों में भी। जो लोग जो है हाथों हाथ लहसुन और अदरक यानी कि गार्लिक और जिंजर पीस के इस्तेमाल करते हैं उन खानों की खुशबू मुनफरिद होती है। उनका कलर टेक्सचर हर चीज़ अलग होता है क्योंकि वो फ्रेशली पीस के डाला गया होता है। हम आसानी फ्रिज में रखी यूज़ करने में है तो इट्स ओके, वो तो है आसानी लेकिन बड़ा मज़ेदार होता है अगर आप हाथों हाथ उसको पीस के डाल दीजिए। मैंने जो है चिकन मिन सिर्फ 1 प्याली लिया था, मुझे इसमें आसानी थी। आप लोगों को भी जिसमें आसानी हो, बोनलेस बोटियाँ 5 अदद बोनलेस बोटियाँ इनफ हैं आपकी ये डिश तैयार होने के लिए। मैंने भी ये 4 बोटियाँ ली थी और उनको खुद ही मिन्स बना लिया था घर में। एडिशनल जो है मैं इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताई, थोड़ा स्पाइस पैदा करने के लिए 1/2 खाने का चमचा है कुटी हुई मिर्च, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। नमक हसबे ज़रूरत ऐड करना है। 1 चॉप्ड हुआ टमाटर मैं जो है चिकन मिन्स के साथ ही ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटर के पानी में जो है और चिकन मिन्स ये सब साथ ही हो जाए, भूनते भूनते हो जाएगा। वैसे हम इसे अभी गलाने के लिए भी रखेंगे थोड़ा सा मसाला एक जान होने के लिए। कुटी हुई मिर्च 1/2 खाने की चम्मच मैंने ऐड की है थोड़ा इसको स्पाइसी करने के लिए। पिसी हुई काली मिर्च मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड कर दी है। पेपरिका देखने में सुरख मिर्च लग रही है यानी कि रेड चिलीज, ये पेपरिका है। इसकी खुशबू और जायका बहुत डिफरेंट होता है। ये कैप्सिकम होती है शिमला मिर्ची, उसका जायका दे रहा है टोटली। आपको लगेगा आपने शिमला मिर्च डाली है और बहुत रिच फ्लेवर है पेपरिका, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ज़रूर ट्राई करिएगा पेपरिका। मतलब आपने ऐड करना ही करना है, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं होना इस रेसिपी में। मसाला रेडी है और ये बॉयल पास्ता है जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाला सही से यकजान होने के बाद। पास्ता मिक्स कर दिए हैं और मज़ेदार खुशबू जायका मज़ेदार। इसको आप ऐसे ही अगर खाना चाहें तो नॉट बैड, ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार बनेगा लेकिन चूंकि हमने वाइट सॉस के साथ इसको आसानी से तैयार हो जाएगा। 2 खाने के चमचे मैदा लिया है, 1 कप दूध लिया है, 1 छोटा सा पीस मोजरेला चीज़ लिया है और 1 टिकिया मक्खन के लिए है 28 रुपीज़ वाली। पैन गरम हो जाए तो आप उसमें मक्खन डाल दें। डायरेक्ट मैंने मक्खन डाला है, कुछ और ऐड नहीं किया है। देगची गरम हुई मैंने फ्लेम को लो करा और मक्खन डाल दिया है। फौरी तौर पर मक्खन इसलिए मेल्ट नहीं हुआ, ये फ्रीज़र में था, अदरवाइज़ मक्खन बटर और मार्जरीन वगैरह ऐसी चीज़ें जो फौरी तौर पर मेल्ट हो जाते हैं। अब मैं इसमें जो है मैदा ऐड करूँगी। 2 खाने के चमचे मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून वाइट फ्लोर, और ये ऐड करने के बाद इसको मैं तेज़ से चलाऊँगी। बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा ताकि जो मैदा जो हम मक्खन के साथ भून रहे हैं तो ये जो है डेगची में लगने के किसी किस्म का आपका नुकसान ना हो, तो हल्की आंच पे काम करिएगा। अब मैं इसमें 1 कप दूध ऐड कर दूंगी
और दूध ऐड करने के बाद का जो प्रोसेस है वो बड़ा बहुत देख के करना है आपने। दूध ऐड करते हैं आपको तेज़ से चलाना है, किसी किस्म की कोई लम्स और किसी किस्म की कोई जो गुठलियाँ हैं वो ना बने, आप उसको चलाते रहना है अनटिल अनलेस कि इसमें थिकनेस ना आ जाए सॉस में। आप तेज़ से चलाएंगे, मैं छोटा सा मोजरेला पीस ऐड कर रही हूँ, ये बिफोर इसका टेक्स्चर देख लें, मोजरेला चीज़ के बाद इसका टेक्स्चर मज़ीद अलग हो जाएगा। मैं इसमें आधी चमची जो है आधी खाने की चम्मच काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं, पार्सली ऐड कर सकते हैं, या अपनी आसानी के लिए मिक्स हर्ब्स ले आएगा मिक्स हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। सॉस वाइट सॉस तैयार है बहुत आसानी से, झटपट और बड़ा मज़ेदार इसका टेक्स्चर आ गया है स्ट्रेचिंग। ग्रेटेड चीज़ और मिक्सड हर्ब टॉपिंग के लिए मैंने यूटेंसिल फॉइल लिया है, आपको जिसमें आसानी हो आप शीशे का बर्तन भी ले सकते हैं। वाइट सॉस की लेयर आपने करनी है, उसके बाद स्पाइसी मज़ेदार से इटालियन पास्ता जो हमने रेसिपी तैयार की है वो उसकी लेयर करनी है, फिर वाइट सॉस की लेयर करनी है, टॉपिंग में जो है मिक्स हर्ब्स और चीज़ की लेयर करनी है, और ये तैयार है। सांचे बर्तन को गर्म कर लीजिएगा, इसमें किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं हुआ है। डायरेक्ट बर्तन गर्म करने के बाद मैंने लो फ्लेम कर दिया हल्की आंच और स्टैंड रख दिया था। मैंने गहरा बर्तन लिया है, आपने भी गहरा बर्तन ही लेना है। देखिए में सारा मसाला लग जाता, हमें इसको प्री हीट करना था, इस वजह से हमने ये प्रोसेस किया है। 40 to 50 मिनट्स के लिए मैं इसको रख दूँगी, इसका जो चीज़ी फ्लेवर है क्रीमी फ्लेवर है आपस में मिक्स हो जाएगा और ये तैयार हो जाएगा।